नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पाठ 7 के अंश 3 की, अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिना, भारत की खोज के अंतर्गत। तो बच्चों, भारत के अल्पसंख्यक, जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। मतलब जो धर्म कह लो, जो जाति के लोग कम गिनती में थे, ठीक है, उनको बराबर लाना। तो भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। तो भारत में सभी धर्मों को एक समान मान्यता दी गई, यहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं किया गया। जातीय दृष्टि से एक विचित्र मिश्रण होने पर भी यहाँ कभी जातीय सवाल नहीं उठे। तो धर्म को सदा जातीय विभिन्नताओं के साथ स्वीकार किया गया। जातियाँ या तो एक दूसरे में मिल जाती हैं या उनमें अंतर करना कठिन हो जाता है। धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती। धर्म बदलने वाले व्यक्ति की जातीय पृष्ठभूमि और भाषिक विरासत नष्ट नहीं होती। आप कोई मान लो धर्म बदल भी लें पर आपकी भाषा तो वही रहेगी। राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया। यह मुस्लिम समुदाय था जिसका उद्देश्य राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देना था, ठीक है, ये जो नेहरू जी ने अनुभव किया। तो बच्चों, यद्यपि कांग्रेस सदस्यों में अधिकतर हिंदू थे, तथापि फिर भी मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों के लोग, सिख, ईसाई आदि भी कांग्रेस में शामिल थे। तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्वाधीनता और स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज की स्थापना करनी चाहती थी। वह सभी में एकता चाह रही थी। राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र उसका उद्देश्य था। बीते समय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन उनकी नीतियां एकता और लोकतंत्र के विरुद्ध थी। तो 1940 में कांग्रेस को घोषणा करनी पड़ी कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से भड़काती और उकसाती है। तो ऐसे में भारत की एकता की बलि देना या लोकतंत्र का त्याग करना भारत के हित में नहीं था। कांग्रेस सांप्रदायिक समस्या का ऐसा हल न ढूंढ सकी जिससे उसे सुलझाया जा सके। बच्चों, तो अंग्रेजों की नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की, ठीक है। अंग्रेजों ने पूरा जोर लगाया तथा सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध अधिक महत्व दिया ताकि फूट पड़े। तो मुस्लिम लीग के अगुआ मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए दो अलग राष्ट्रों की घोषणा की। इससे देश में भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन की अवधारणा विकसित हुई। इससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ क्योंकि मुसलमान और हिंदू पूरे भारत में ही थे। तो कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया कि देश को एक रखा जाए, लोगों को इकट्ठे रखा जाए, परंतु वो संभव ना हो सका। धन्यवाद बच्चों, यह था पाठ 7।